जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, वही आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें मैंने इंश्योरेंस कंपनी लिखा है, प्लस मैंने पीएमटी लिखा है, उसके बाद से इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद से नेट पीरियड है, उसके बाद से फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को शॉर्ट में एफवी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, एफवी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा और ऐसे सब लोग करते भी हैं, जैसे कुछ पैसे को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, जैसे एलआईसी कंपनी हो गई, या ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जिसमें हम पैसा ले जाकर के अपना जमा करते हैं। ठीक है, वो कंपनी करती क्या है कि जब उसका टाइम कंप्लीट होता है तो वो कंपनी हमको ब्याज के तौर पे वो पैसा हमको रिफंड भी करती है, तो पैसा हमको रिफंड भी करती है। जैसे मान के चलिए अगर हम जो है 5 साल में जितना पैसा मैंने जमा किया है उसमें से 20,000, 35,000 या 40,000 रुपया या 80,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको वो कंपनी क्या करती है, ब्याज के तौर पे हमको रिफंड करती है। तो ये पैसे हम क्यों जमा करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कुछ होता है कि मान के चलिए कि जो है अब चूंकि पैसे अगर अकाउंट में हो तो मान के चलिए कि वो पैसा एक्सपेंस होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता जाता है, वो पैसा बच नहीं पाता अकाउंट में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम जमा कर देते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि पैसा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, ज्यादा मात्रा में रहता है, और वहां पे ऐसा नहीं कि हमको जब भी जरूरत हुआ तो वहां से हम निकाल लें, नहीं, उसका जब मंथ कंप्लीट होता है तभी आपका मिलता है, जब टाइम कंप्लीट होता है तभी जाकर के वो पैसा आपको पेमेंट किया जाता है। तो जैसे एक फ्यूचर की प्लानिंग होती है कि मान के चले कि अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है, नॉर्मली पैसा है, लेकिन उस पैसे को अगर हम किसी इंश्योरेंस वाली कंपनी में अगर हम जमा करते हैं तो वो पैसा अगर 18 साल बाद, 20 साल बाद अगर उसको हमको मिलता है तो उस पैसे से हम चाहेंगे तो अपना एक बड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं, अपना बड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं, या मान के चलिए कि एजुकेशन विभाग में भी उसको हम खर्चा कर सकते हैं। मतलब कुछ प्लानिंग होती है ना फ्यूचर की, इस वजह से हम क्या करते हैं, पैसा अपना एलआईसी हुआ, चाहे एसबीआई हुआ, चाहे मैक्स लाइफ हुआ, चाहे एसआर कंपनी, चाहे बिरला कंपनी, ऐसे बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जहां पे ले जाकर के हम पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो जमा करने के बाद अब चूंकि एलआईसी का क्या होता है, अलग इंटरेस्ट रेट होता है, एसबीआई का अलग इंटरेस्ट रेट होता है, सारी कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई कंपनियां ब्याज हमको ज्यादा मात्रा में देती हैं और कोई कंपनियां ब्याज हमको कम मात्रा में देती हैं, लेकिन बगैर ब्याज जमा, बगैर ब्याज दिए हुए कोई कंपनी लेती भी नहीं है पैसा, चूंकि ये पैसा जो कंपनियां हमसे और आपसे लेती है, जो पैसा हम एलआईसी में जमा करते हैं या जो भी इंश्योरेंस कंपनी हम ले जा पैसा जमा करते हैं, वो पैसे को आखिर होता क्या है, वो पैसा अगर आप कलेक्ट करते हैं, वो जो जमा करते हैं पैसा, तो वो पैसा कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनी वो पैसा आपसे ले लेती है, जैसे एलआईसी कंपनी आपसे पैसा ले ली इंस्टॉलमेंट बना करके, जो हम आप जमा करते हैं वो पैसा आपको वो लेती है, और लेने के बाद वो पैसे वो इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके बाद से क्या होता है कि शेयर मार्केट से वो ज्यादा से ज्यादा जब पैसा इनकम कर लेती है तो जब आपका डेट कंप्लीट होता है तो उसी पैसे में से कुछ आपको भी इंक्रीज करके वो पैसा आपको पेमेंट कर लेती है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि हमारा पैसा एक जगह रखा हुआ है फिर हमको ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, वो पैसा कंपनी जब लेती है तो शेयर मार्केट में लगा देती है, उसी पैसे से वो कंपनी अपनी बिजनेस कर लेती है, और बिजनेस करने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ अंश आपको देती है, जो कंपनी का रहता है कि ये हमारा कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है, कंपनी अपने घर से नहीं देती। समझ में आ रहा है ना, तो जैसे मान के चलिए कि जो हम पर महीना जो हम पैसा पेमेंट करते हैं कंपनी को, तो उसके बाद से टाइम कंप्लीट होने के बाद वो पैसा हमको कितना रिफंड कंपनी करेगी ब्याज के साथ, उसी वैल्यू को निकालने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करना होता है। जैसे अगर 5,000 रुपया पर महीने अगर आप दे रहे हैं तो 60 महीना अगर आप पैसा पेमेंट करेंगे तो कितना हुआ, समझ में आ रहा है ना, अगर ये पीएमटी का मतलब पर मंथ अमाउंट, तो पीएमटी में निकलता था ना ईएमआई में, लेकिन इसमें आपको बस वैसे टाइप कर देना, क्योंकि ये पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले 5,000 और मल्टीप्लाई करना है कितना से, 60 महीने से, और एंटर करिए। मतलब एक महीने में अगर आप पैसा 5,000 रुपया दे रहे हैं तो पूरे पूरे 60 महीने में जो आप पैसा देंगे, 21,00,000, 10,000,00,000, 3 लाख रुपया पैसा आप देने जा रहे हैं कंपनी, कितने महीने में, 60 महीने। ठीक है, एक महीने में अगर आप 5,000 रुपया दे रहे हैं तो अगर आप जो है ये 60 महीने में आप पैसा पेमेंट करेंगे तो 3 लाख रुपया आप कंपनी को पैसा दिए, तो कंपनी रिफंड करेगी कै परसेंट के रेशियो से, 10% के रेशियो से। तो वही हमको निकालना सीखना है कि अगर हम जो है 3 लाख रुपया अगर जो है LIC कंपनी में अगर हम जमा कर रहे हैं तो कंपनी का टाइम पूरा होने के बाद कितना पैसा हमको रिफंड होगा। तो ये पैसा जो हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, ये वाले अमाउंट से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 10% इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। तो इसको निकालने के लिए इक्वल करेंगे और यहां पे लिखेंगे एफ वी और ब्रेकेट ओपन करेंगे। एफ वी को पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू, एफ वी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रेट, तो रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट को ही सिलेक्शन करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे 12 से, चूंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, और नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से पूछ रहा है NPER, NPR का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कंपनी ने समय कितना दिया, 60 महीने का, आपको कंटिन्यू 60 महीने आपको जमा करना है, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हमको लेना है क्या, सॉरी पहले PMT पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम PMT अमाउंट ले लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से प्रेजेंट वैल्यू तो कोई है नहीं, लेकिन टाइप में हम एक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, और ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर आप एक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो पीएमटी है मात्र एक ही महीने का है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपने कंपनी को दिया था 3 लाख रुपया, लेकिन मिल रहा है कितना, 3,87,187 रुपया मिल रहा है। तो 3 लाख में से इतना माइनस कर दीजिए, शेष जो बचेगा वही तो आपको कंपनी ब्याज दे रही है। इसी पैसे को निकालने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिए, यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पर लिखेंगे एफ वी और ब्रेकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को ले लेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से NPR नंबर ऑफ पीरियड मतलब 60 मंथ को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है PMT, तो यहाँ पे PMT ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और टाइप में 1 ले लेंगे और ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर दें। तो ये वैल्यू चूंकि डॉलर में आता है, इस वैल्यू को डॉलर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर में चेंज करते हैं ना। तो नंबर में चेंज करने के लिए जिस तरीके से EMI वाला मैंने बताया था, ऐसे पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, नंबर पे चले जाइए, और नंबर पे जाने के बाद यहां से आप नंबर ले लीजिएगा, नंबर वाला, और यहां से ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट करके और यहां से ओके कर दीजिएगा, ये वैल्यू आपका सही हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा। चलिए इस फार्मूले को नोट कर लीजिए कॉपी में।